लगभग 11 माह से कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए कोरोना की इस जंग में कोविशील्ड वैक्सीन का हथियार स्वास्थ्य विभाग के हाथों में पहुंच चुका है। बता दें कि कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से की जाएगी। इस टीकाकरण की जानकारी देने के लिए आज राजनांदगांव कलेक्टर टीके वर्मा और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पहुंचे और पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान राजनांदगांव कलेक्टर ने कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग केंद्रों पर कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के पहले दौर में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जिसको लेकर जिले में 14,510 स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण किया जा चुका है। इनमें से 1,354 निजी डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। टीकाकरण के लिए राजनांदगांव जिले में 4 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक केंद्र में प्रतिदिन 100 कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण किया जाएगा। राजनांदगांव कलेक्टर ने कहा कि टीकाकरण को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि कोरोना टीका लगने के बाद लगभग आधे घंटे तक व्यक्ति को निगरानी में रखा जाएगा। प्रतिदिन 100 लोगों को लगने वाले इस टीके की जानकारी उनके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से एक दिन पूर्व ही भेजी जाएगी। टीकाकरण के लिए 14 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि एक व्यक्ति को कोरोना टीकाकरण की 2 डोज लगेंगी। पहली डोज लगने के 28 दिन के अंतराल पर दूसरी डोज लगाई जाएगी। कोरोना टीकाकरण के लिए जिले में 4 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें राजनांदगांव शहर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बसंतपुर, COVID-19 अस्पताल पेंड्री, वही जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी और डोंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी टीकाकरण किया जाएगा। सोशल मीडिया में टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए राजनांदगांव के नामी चिकित्सकों ने सर्वप्रथम टीका लगवाने की सहमति दी है, जिसके तहत कोरोना का पहला टीका वरिष्ठ चिकित्सक एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुखराज बाफना को लगाया जाएगा। वही डॉक्टर उत्तम कोठारी सहित शहर के कई अन्य प्रसिद्ध डॉक्टरों को टीका लगाकर भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस टीकाकरण को पूर्णतः सुरक्षित बताया है। टीकाकरण को लेकर प्रत्येक केंद्र में 7 लोगों की टीम बनाई गई है। टीकाकरण के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उसमें कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं, उन्हें कोरोना का टीका इस अवधि के दौरान नहीं लगाया जाएगा। वहीं गर्भवती महिलाओं और सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित लोगों को भी ये टीका उनके स्वस्थ होने तक नहीं लगाया जाएगा। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू हो रहा है। राजनांदगांव जिले में भी कल 3 स्थानों पर हम वैक्सीनेशन प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बसंतपुर में, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो पेंड्री में, और तीसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ में। और प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा और प्रतिदिन 100 लोगों को प्रत्येक सेंटर पर टीकाकरण किया जाएगा और सभी को एक दिन पहले सूचना दी जाएगी मोबाइल के माध्यम से। और अपने ज़िले में 14,510 लोग जो वेब पोर्टल में पंजीकृत है, उन्हीं लोगों को टीकाकरण पहले चरण में लगाया जाएगा। कितने लोगों का पंजीकरण है? 14,510 लोग हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, शासकीय और प्राइवेट। सर, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और मितानी भी हैं, उसको अभी प्रथम चरण में नहीं लगा रहे हैं, सेकंड जब होगा उसमें लगाएंगे। पहला नॉमिनेट किसको किया है? अपने ज़िले में जो डॉक्टर पुखराज बाफना हैं, जो पद्मश्री है, उसने सहमति दी है, तो वो सबसे पहले रहेंगे। उसके अलावा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर उत्तम कोठारी, उसने भी सहमति दी है। तो ये दोनों हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो पहले दो वही रहेंगे। सर, बर्ड फ्लू के लिए ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.